सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि एक चीज़ रिवील करनी थी। मोस्टली जो भी इंस्टाग्राम पे मेरी फैमिली, उनको पता रहेगा, यूट्यूब पे मैंने कभी बताया नहीं। सो मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है 13 नवंबर को। सो उसी के लिए अभी मतलब शॉपिंग करने जाना है। एक्चुअली जो मैंने लिया है कपड़ा, उसका ट्रायल है। सो पहले तो तभी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। सो मैं सोचा अभी मतलब एंगेजमेंट तक जो भी तैयारी कर रहा हूँ, तो उसका मैं ब्लॉग प्रॉपर बनाऊँ। तो वही अभी अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं वाशी जाने। तो वाशी में जाके मैं आपको बताऊँगा कौन से शॉप से मैंने लिया है शेरवानी एंड कैसा क्या है, सब बताऊँगा। एंड जाते तो जितेश को भी लेना है, और जितेश को लेके उसका भी एक आधा काम है, तो वो भी करके फिर हम देखते भी कैसा क्या होता है। तो वही अभी ये ब्लॉग से आपको पूरा थोड़े कार्स का मतलब कम देखने मिलेगा एंड मेरे इसका ज़्यादा देखने मिलेगा। अगर कार्स का भी हो मैं आपको वो भी बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, अगर जितना हो सके, बिकॉज अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल है पूरा। काम मतलब सब इनविटेशन वगैरह जो भी सामान वो सब कराना है, अरेंजमेंट्स करानी है। सो चलो अभी हम लोग निकलते हैं एंड आपको फिर मैं आगे बताता हूँ कैसा क्या होने वाला है। अभी पहले जितेश को पिक करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो बाय द वे हम पोलो नहीं लेके जा रहे हैं, एमजी लेके जा रहे हैं। गाड़ी गंदी हो रखी है एंड अब इसका आपको टिप भी बताता हूँ जिन्होंने व्लॉग नहीं देखा। ये पहले सिंगल था, अब उसको डबल करा है, तो ऐसा लुक आ रहा है उसका। इसमें भी थोड़ा काम कराना है। ये रोज गोल्ड रैप थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, सोच रहा हूँ निकाल ही दो। सो बाय द वे अभी जितेश का भी कॉल आके गया, वो रुका है। अबे यार ये क्या है इधर, ट्रक लगा हुआ है। सेकेंड मैं भी आपको बताता हूँ, सामने ट्रक लगा, उनका सामान का चालू है। सो ये देख लो आप, क्या वो हटा रहा है गाड़ी, वो देना भी अपना निकलने जाते जाते रुकावट। तो चलो मैं अभी आपको जितेश को लेते टाइम मिलता हूँ। ये दरवाजा खुल जाएगा। सो गाड़ी अभी पूरे ऑफ रोड, पूरी गाड़ी अपनी ऐसे खड़ी है। अभी आपको इतना समझ रहा नहीं होगा, बट पूरी गाड़ी ऐसे खड़ी हो गई है क्रॉस। लेट्स गो। अबे यार सब आज इधर ही आ रहे हैं। फाइनली निकल गए। जो पार्किंग सेंसर बहुत इरिटेट करते हैं यार, इसको ऑफ किया तो भी ऑन हो जाते। चलो अभी साउथ का हीरो आ गया, देखो। काय पहिले तलोजाला जायचा का कुठे जायचा? तलोजा ना, पहिले तुझं काम करू। माझं काम करायचं वाटून तू तलोजाला नाही येणार का? काय म्हणतो मला असं वाटलं रे। नाही तो काम का मीटर लावायचंय ना? अरे एमएससीबी जाऊन ऍप्लिकेशन द्यायचं। अच्छा मग तो येईल। लगेच येईल का तो? लगेच ना, ऍप्लिकेशन देऊन टाकायचा मग। अच्छा कधी लावून जाईल ना तुझं तो? माझी पहिला असेल वॉफर खाने का बहुत चाह रहा था। अरे मी बोललो तिला, एनीवन वॉन्ट्स?
अभी जस्ट पहुंच रहा हूँ मैं शॉप के यहाँ पे। अभी हम एक्चुअल प्लेस सेक्टर 17, आपको सेक्टर 17 मालूम ही होगा आपको, वाशी का वहीं पे ही है। 17 प्लाजा जो सिटी बैंक है ना वाशी का, उसके साइड में ही है। और अभी इधर पार्किंग का इशू रहता है वाशी में बहुत। अभी देखते हैं कहाँ पे मिल रहा है, फिर आपको शॉप भी बताता हूँ। और पर यू टर्न मारून है अलग अलग अपने इतना पार्किंग पर कुछ दिसता का भारत। चलो देखते हैं यहाँ पे सामने है शायद जगह है, नहीं यहाँ पे तो ऑटो वाले लगाते हैं शायद। सो ये शॉप है। अभी यहाँ पे जाना है अभी, पर पार्किंग का इशू है। देखते हैं चलो अभी पार्किंग कहीं करूँ, रिवर्स घेऊ एकदम बघना त्या साइडला। तो लकीली जगह मिल गई है। सो पेन तो अभी एक प्रॉब्लम हो गई है अच्छी खासी, मतलब ट्रायल तो हो गई प्रॉपर, तो थोड़ा बाइसेप एंड शोल्डर में टाइट हो रहा है। तो अभी वापस अल्टरेशन, मतलब वो पूरा अभी ये हाथ ही यहाँ से थोड़ा टाइट हो रहा था, मतलब जा ही नहीं रहा था बाइसेप। एक्चुअली सीन क्या हो गया, तभी मैं जिम नहीं तभी क्या सीन हुआ था, वर्कआउट नहीं चालू था तभी यहाँ पे मेजर दिया था। एंड अभी 25-30 दिन से मतलब वर्कआउट चालू है, तो थोड़ा साइज बढ़ गया, तो थोड़ा टाइट होने लग गया था वो। तो वो कुछ नहीं, वो बोले हो जाएगा, तो अभी वापस कल आना पड़ेगा। सो एक्चुअली हाथ से बाइसेप से पूरा टाइट हो रहा था, तो अभी उन लोग हाथ ही चेंज करने वाले, बाकी सब तो परफेक्ट है। बैक वगैरह अभी एक एक इंच शायद वो थोड़ा लूज ही करेंगे, यानी माप घेतला ना उसने, अभी मेजरमेंट भी लिया है अभी का जो रहेगा वो, ऐसे वो अभी प्रॉपर कर देगा। बाकी तो दिख रहा तो मस्त था, फिटिंग वगैरह एकदम मस्त आई थी। अभी मैं आपको दिखाना नहीं चाहता बिकॉज फिर बाद में उसका मजा नहीं आएगा। सो वही अभी आज का तो शायद मेरे को वापस कल वापस आना पड़ेगा यही टाइम में। जीतेश आने आज, जीतेश आज दोनों का मैचिंग हो गया। रेड मेरा थोड़ा ऑफ रेड है, रेड डार्क। तो अभी देखते अभी शायद कल वापस आते हैं, कल भी आप कल, हाँ कल ही कल। तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कैसा है बिकॉज फिर एंगेजमेंट के दिन फिर वो मजा नहीं आएगा उसके वजह से। तो अभी जा रहे, अभी जीतेश का छोटा सा काम है, छोटा सा नहीं बड़ा काम है, गवर्नमेंट काम बड़े रहते, छोटा सा रहेगा तो भी बड़े ही रहते। तो ठीक है अभी आपको फिर उसका क्या काम है वो बताता हूँ बाद में, हम लोग फिर आगे मिलते हैं। एक्चुअली शेठ ने मतलब नया घर लिया है, वन बी एच के तलोजा में, तो उसका अभी थोड़ा मीटर का कुछ इशू है, मतलब मीटर लगाना है, इशू नहीं मीटर लगाना है, नए मीटर का अप्लाई करना है, तो वही अभी कराने जाना है। तो अभी हम लोग का उधर का एक फ्रेंड भी आने वाले है, उसको हम लोग बच्चू बोलते हैं, बच्चू काटे बच्चू ये बक नवीन स्कॉर्पियो मस्त दिसतो। आणि ती इंडिओर इंडिओर आणि स्कॉर्पियो ची मोठी दिसते गाडी। तो फिलहाल अभी घर पे ही जाते हैं, देखते हैं अभी जीतेश कुछ खिलाएगा तो खाएंगे, नहीं तो फिर उपवास, घर पे उपवास ही वैसे भी। क्या खाएगा बोल, क्या खाएगा तू जो खिलाएगा, पहले हम लोग तेरा काम करते फिर करते। तू इतना काला कैसे हो गया था भेंचो, मेरे से गोरा हो गया था एक दिन, एक टाइम पे मेरे से गोरा दिखता था, वो क्या करता था मेरे को मालूम नहीं। हमारे 3-4 दोस्त है सारे लोग इंजेक्शन, मैं नाम नहीं बताऊंगा, समझ जाएंगे जो भी देख रहे थे ना, वो समझ जाएंगे कौन है वो। तो गोली खा के, हाँ एक तो है कलम बोली गाँव वाला है मेरा उसका फिर अभी ये ब्लॉग देखने के बाद मुझे जरूर फोन आने वाला है, भाई ऐसा क्यों कर रहा है बता मत ऐसा। मोटा भी हो गया अरे, वर्कआउट चालू रहेगा ना अभी, गेनिंग गेनिंग।
करण की शादी के लिए एकदम ऐसे परफेक्ट बॉडी होना चाहिए, इसलिए अभी 13 नवंबर को है एंगेजमेंट एंड किसके साथ है अभी आपको आपको नहीं मालूम, आपको मालूम नहीं रहेगा शायद, यूट्यूब वालों को तो नहीं मालूम रहेगा, यूट्यूब फैमिली वालों को, इंस्टाग्राम पे तो मालूम है बिकॉज तलना से फोटो था, यूट्यूब वाले ना माय देश लास्ट टाइम तूने का वीडियो बनाओ ले ली एक्चुअली मुझे याद नहीं पर आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। कल सैटरडे है तो मोस्टली हम तीनों आएंगे, उसको भी लेंगे साथ में क्योंकि वो सैटरडे को उसको ऑफ रहता है अगर उसको कुछ काम ना रहे तो, क्योंकि उसकी भी अभी तैयारी का मतलब उसका प्रिपरेशन चालू होना, कुछ ना कुछ तो उसका चालू ही है प्रिपरेशन अभी अच्छा खासा, तो अभी सबका इनविटेशन वगैरह सब प्रॉपर कराना है तो फिर और आप में से भी कोई आना चाहते हो आ सकते हो तो वेन्यू आपको बताया जाएगा आ जाओ आप भी, सब आप भी फैमिली हो सब आओ तो चलो अभी आपको बाद में मिलता हूँ, अगर कोई जीरेश खिलाएगा हमें तो हम तभी मिलते हैं, नहीं तो फिर प्रांतो ही है अपना, प्रांतो जिंदाबाद देखते भी जीते कहाँ लेके जाएगा। चलो बाय बाद में। सो हेलो, अभी हम आफ्टर 2 डेज वापिस जा रहे हैं। एक्चुअली उसने मुझे कल देने का बोला था जब हम लोग गए थे, बट वो लेट हो गया था, 9 बज गए थे रात को, कल आते थे तो मैं सोचा आज ही चला जाऊँ, तो अभी फिलहाल दोपहर हो रखे हैं मतलब 3 से 4 बज गए, तो अभी जाके देखते हैं। मेरे को सियोल ग्रैंड सेंट्रल में टी शर्ट भी चेंज कराना है जो कि दीदी ने मुझे भाव बीज के दिन दी थी, सो वो भी चेंज करा लेते हैं एंड इसका भी आज देखते हैं कैसे, आज हो प्रॉपर होना चाहिए वो सब फिटिंग वगैरह हो जाएगा बिकॉज उसने ये भी लिया था मेजरमेंट लिया था, तो अभी मैं फ्रेंड को लेने जा रहा हूँ विशाल को, वो आ रहा है साथ में आगे, बाद में अभी आपको उधर ही जाके शोरूम बताता हूँ मैं अंदर से, मैं मेरा सूट नहीं बताऊँगा सॉरी शेरवानी, उसके बाद ही फिर देखते चलो। तो अभी पूरा दिन गया है, मतलब हम लोग 4 बजे आए थे, अभी जाके वो पूरा प्रॉपर फिटिंग किया, एक्चुअली वापस थोड़ा हैंड का इश्यू हो गया था तो अभी वो भी हो गया है ना, अभी पूरा परफेक्ट हो गया, अभी शायद 2 दिन में पप्पा आएंगे तो वो कर लेंगे पूरा, वो लेके आएंगे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सिवूड में मेरा वो टी शर्ट चेंज कराना है दीदी ने जो दिया था, देन उसके बाद घर कूटे गए। आपने आज के ब्लॉग में सब देखा ही होगा क्या 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 है, मतलब ऑलमोस्ट खाली एंगेजमेंट का ही वो लेने जाना था, तो मैंने आपको डेट भी बताया था, तो अभी फ़िलहाल तो मैंने अभी से थोड़ा बहुत स्टार्टिंग किया जो भी करना है, 2 हफ्ते मुश्किल से 2 हफ्ते बचे, सो वो हो जाएंगे पूरे तैयारी में करते करते वो पूरे हो जाएंगे, तो बस ये ब्लॉग में मैं इतना ही दिखाना चाहता हूँ, अभी नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं आगे क्या होता है, अगर कुछ होगा तो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर, सो चलो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।